Hi guys. So I thought we haven't really done like a, you know, real talk video about the situation that's happening right now and more like a life update video actually. हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है. So मैंने सोचा अभी I just finished shooting another one of my videos and I thought let me impromptu ये record कर लेती हूँ मैं. काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है पिछले कुछ दिनों से. So yeah, this is going to be that video. I am going to be talking about what my experience or what our experience collectively as a society has been specifically over the last 15 days. क्योंकि पिछले 15 दिन से मेरी सोसाइटी सील थी बिकॉज देर वॉज अ कोरोना पॉजिटिव केस इन माई विंग. सो आई लिव इन अंधेरी वेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द BMC क्लासिफिकेशन जिस एरिया में मैं रहती हूँ दैट कम्स अंडर द के वेस्ट वार्ड एंड द के वेस्ट वार्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली अफेक्टेड एरियाज इन मुंबई विद द मोस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव कोरोना केसेज. आई थिंक द टॉप अफेक्टेड एरियाज वोली कोलीवाड़ा. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ द सीक्वेंस बट या के वेस्ट वार्ड जो अंधेरी ओशिवारा वर्सोवा है दे आर यहाँ पे बहुत सारी केसेज निकली है कोरोना की. सो इट्स एनी वे आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द रेड जोन्स इन द लास्ट फ्यू डेज. पर ये तो अभी हुआ है पिछले कुछ दिनों में. 2nd or 3rd April को 15 दिन पहले there was a corona positive case in my wing. I have a friend who stays in the same wing called Sankalp who called me and told me, you know, there's a positive case in our building and you need to immediately join the society WhatsApp group because they are informing everybody what to do next, what are the next steps. Jaise hi usne mujhe bataya, I got shit scared, okay? I've had anxiety for the past 1 year, like anxiety disorder where I've been taking medications to treat anxiety and abhi meri medication ekdam max minimal level pe chali gayi hai. So I'm touch wood very good but I have been doing very well since the past few weeks or months. But jaisi is type ki news aati hai, I mean it's bound to give the, you know, best of people anxiety, man. So obviously ek bout of anxiety us din hua tha. लेकिन देन यू नो यू एक्सेप्ट इट, यू कम बैक, यू आर लाइक ओके नाउ दिस इज द रियलिटी, नाउ व्हाट कैन आई डू टू, यू नो, डील विद इट एंड बी इन द बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड. सो स्टार्ट डूइंग वॉट एवर यू नीड टू डू टू, यू नो, फील गुड. जिस दिन हमारे सोसाइटी में पॉजिटिव केस है पता चला BMC को, सबसे पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है. दे केम एंड सील्ड द एंटायर सोसाइटी, विच मीन्स ना हमारे सोसाइटी से कोई बाहर जा सकता है, ना बाहर वाला कोई अंदर आ सकता है अंटिल द नेक्स्ट डायरेक्टिव और द नेक्स्ट परमिशन फ्रॉम द BMC. What they also did is they posted policemen at the, you know, at our front gate taki, you know, they could curb movement of people from the society outside. Nobody was allowed to step out for anything except for a medical emergency. Matlab utna hi urgent hona chahiye, uske alawa you cannot go out, which was a great step, which was an amazing step. Uske alawa there was an entire team that the BMC sent to our society जो हर घर में गई. मेरे पूरे सोसाइटी में 8 wings है एंड 15 floors इन ईच विंग. सो दे वेंट टू एवरी हाउस इन द एंटायर सोसाइटी एंड दे आस्क ईच वन ऑफ देम कि कोई सर्दी खांसी बुखार कोई सिम्टम्स कुछ नज़र आ रहा है एंड दे डिड दैट एंटायर सर्वे एंड वेंट बैक. एंड नॉट जस्ट दैट, बहुत सारी चीज़ें यार, यू हैव टू गिव इट टू BMC फॉर द काइंड ऑफ वर्क दे हैव बीन डूइंग राइट नाउ. यार आफ्टर द फैमिली वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल उसके 2-3 दिन बाद दे सेंट अ सैनिटाइजेशन टीम टू माई सोसाइटी जिसमें हमारी पूरी विंग सैनिटाइज की गई. एवरी थिंग लाइक राइट फ्रॉम द लिफ्ट टू द, यू नो, रिफ्यूज एरिया टू द टेरेस टू एंड टू द होल विंग दैट हैपेंड. अनदर थिंग विच आई केम टू नो वॉज हैपनिंग क्योंकि मैं सोसाइटी के ग्रुप में वहाँ पर दे कीप अपडेटिंग अस व्हाट्स हैपनिंग. जो हमारे फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे पॉजिटिव केस निकली है उस फ्लोर का जो कचरा है, गार्बेज कलेक्शन की जो गाड़ी आती है उस फ्लोर की अलग गाड़ी आती है एंड बाकी के फ्लोर्स का जो गार्बेज कलेक्शन होता है वो दूसरी गाड़ी में होता है. सो दोज आर द काइंड ऑफ मेजर्स दे आर टेकिंग, मैन, लाइक, यू नो, एंड दिस इज जस्ट लाइक अ टीनी टाइनी बिट ऑफ वॉट वी नो. देर मस्ट बी सो मच मोर दैट्स हैपनिंग ऑन द फील्ड आउट देयर इन द ऑफिस एंड सो मच मोर दैट दे आर डीलिंग विद एंड डूइंग. I think hats off to them. I think they are doing a tremendous job. And what happens is when your society is sealed off because you can't step out even for your groceries, तो तुम्हारे आजू बाजू वाले जो shops होते हैं उनको inform कर दिया जाता है कि ये वाली society तक तुम्हें जाकर सामान पहुँचाना है to ensure that nobody is left out of, you know, basics जो है खाने पीने के सबको मिल रहे हैं. तो हमारे भी घर के आसपास जो कुछ किराने की दुकान है उन लोगों को बोला गया है कि गेट तक पहुँचाना है सामान. वी वर अलाउड टू गो ओनली टिल आर गेट टू ओनली पिकअप ग्रोसरीज. उसके अलावा वी वर नॉट इवन अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ आर विंग्स. देर वॉज नो मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग वॉक्स, डॉग वॉक्स, नथिंग. आई हैव टू गिव इट टू माई सोसाइटी, 98% ऑफ द पीपल फॉलोड ऑल द रूल्स. ऑफकोर्स देर ऑलवेज बी ट्रबल मेकर्स जिनको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आती, कॉमन सेंस नहीं होता कि किस वक्त क्या करना चाहिए. सो देर वर अ फ्यू पीपल लाइक दैट, बट ठीक है, 98% फॉलोड इट प्रिटी वेल एंड टच वुड. उसकी वजह से द BMC डिड देयर
second survey. I think on the 15th day, they came back again and did an entire survey of the entire society again, like they did it for the first time. They asked every member if they have any symptoms. And jab, thank God, nobody else in the society showed any symptoms yet. So the ceiling got over just yesterday. Mere society ke gates jo hai wo khule hai 15 din baad. Ha, and it felt like a relief. Although I haven't still stepped out of my house. But today I might just go down for a brief walk and come back up. Kyunki aise 15 din se main niche, matlab ginti ke 3 baar niche utri hungi. Kabhi ek baar grocery lene, kabhi ek baar doodh lene, kabhi ek baar sabziyan lene. That's all. I haven't even stepped out of my house. Which is a crazy feeling, man. I mean, like, who would have thought something like this could happen? So yeah, but all this has been happening. I have to give one mention here, which is one of the biggest and most important things that we all need to acknowledge. कि हम लोग सब अपने घर पे बैठे हैं क्योंकि all those delivery boys, like चाहे वो किराने के हो, चाहे वो सब्जी वाले के हो, चाहे वो जो भी हो, तुम्हारे grocery delivery boys are coming till your gate to deliver your stuff. They are literally risking their life right now. So we have to be extremely grateful for them and their service that they're giving to us at this point of time. तो एक चीज प्लीज करना मत भूलना, अगर तुम भी ऐसे अफेक्टेड एरियाज में हो जहाँ पर तुम भी बाहर नहीं जा रहे हो या तुम कुछ ऑर्डर्स मंगा रहे हो गेट तक, प्लीज टिप देम. यार, दे डिजर्व दीज टिप्स एट दिस टाइम. इट्स नथिंग नथिंग इन कंपेरिजन टू वॉट अ पर्सन इज यू नो पुटिंग देमसेल्फ थ्रू टू गिव यू सम सर्विस. सेम गोज फॉर द यू नो दैट एंटायर सिक्योरिटी स्टाफ. बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन थी कि जो सीनियर सिटीजन्स है जो सोसाइटी में, उनको बिल्कुल फ्लैट के बाहर ही ना निकलने दिया जाए, वो गेट तक भी ना जाए अपना सामान लाने. सो द सिक्योरिटी गार्ड्स वर यू नो इंस्ट्रक्टेड टू टेक ऑल द ग्रोसरीज एंड ऑल टिल द डोर स्टेप, ड्रॉप इट टिल द डोर स्टेप एंड कम बैक. सो अ ह्यूज शाउट आउट एंड अ बिग थैंक्स, एंड आई थिंक we all need to give like a standing ovation to all these people, you know, who are on the front line right now, हमारे लिए जो काम कर रहे हैं. हमारी सोसाइटी ने did a sweet little gesture. हमारा जो सीलिंग है वो खत्म होने के एक दिन पहले we all came to our windows and हम लोगों ने थाली और चम्मच से you know अपने सारे security guards को एक thank you बोला, thank you बोलने का gesture किया. There were also some videos and pictures that were taken that day. हमारे security guards ने ऐसे cute सा march किया you know around our society and everybody clapped and cheered and bajaud their thalis for them. We are also trying to put in some money and give them that money to you know serve us in this time. So this is what it has been like. इसके अलावा क्योंकि पिछले कुछ दिनों में suddenly थोड़े cases बढ़ गए हैं and people were still taking you know going out casually, people you know lockdown के बाद भी 100 बार बोलने के बाद भी कि कम से कम बाहर निकलो, लोग essentials के बहाने बाहर निकल रहे थे. तो हमारे building के आसपास तो सारे किराने वाले और सब्जी वालों को बंद कर दिया. I think this happened in the last 1 week. Only Mondays the kirana shops were allowed to open from 9 to 5 and other days they were shut because people were crowding them, which is ridiculous. But kya bole, kya hi bole, matlab aise ye sari cheeze agar logon ko nahi samajh mein aa rahi to what do you say. But right now in the last 4-5 days it's been very random. Like ek din kabhi beech mein koi shop khulta hai to you know you have to fatak se place order there. If you place the order in time and if they still have stock you get it, or otherwise you don't. Online delivery ke slots bhi nahi milte kirane ke, so bahut mushkil se matlab groceries bhi bahut mushkil se mil rahi hai pichle kuch dinon mein. I had to really like you know struggle and hunt for groceries. Yesterday finally the shop under my house randomly opened. It was not a Monday but it opened and we could get through and then we got some stuff. And ek bar ka wo jab सामान मिला ना हमारे, मतलब सांस में सांस आई. आई हैव नेवर थॉट इन माय लाइफ आई विल एवर क्रेव फॉर दही. आई डिड हैव दही एट माय होम फॉर द पास्ट लाइक आई थिंक अ वीक और मोर देन अ वीक. देन वी वर नॉट फाइंडिंग फ्रूट्स एनीवेयर. लाइक सब्जी वालों के पास जब भी आई वुड कॉल देम दे वुड हैव बेसिक स्टफ बट दे डिडंट हैव, लाइक आई वाज क्रेविंग फॉर अ बनाना. लाइक दोज वर द थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग. बट देन ऑन द अदर साइड यू आर लाइक ओके, आई मीन देर आर वर्स थिंग्स हैपनिंग आउट देर. देर आर सो मेनी बिगर इशूज दैट पीपल आर फेसिंग आउट देर बिकॉज ऑफ करोना. सो या तुम्हें ऐसे रियलिटी चेक देना पड़ता है अपने आप को. बट इट हैज़ बिन स्लाइटली क्रेजी यार पास्ट फ्यू डेज. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा टेल यू गाइस बिफोर आई यू नो एंड दिस वीडियो. भले ही वी आर नाउ अलाउड टू स्टेप डाउन एंड एवरी थिंग एंड भले ही आर बिल्डिंग इज सैनिटाइज बाई BMC फर्स्ट एंड देन वी कॉल फॉर अ प्राइवेट सैनिटाइजेशन टीम एंड गॉट द एंटायर सोसाइटी सैनिटाइज, ऑल ऑफ दैट हैज हैपेंड. बट स्टिल वी आर बींग एक्सट्रीमली केयरफुल. जब भी मैं नीचे ग्रोसरीज लेने भी जाती हूँ,
I obviously wear the mask and go. My mom too has been wearing the gloves also, which is actually great. But I don't wear gloves, but I wear the mask and go down. कलेक्ट एवरीथिंग दैट आई हैव टू. जैसे ही हम लोग सामान लेके आते हैं, हम जाकर यहाँ पर जो खिड़की है वहाँ पर बहुत सारी जगह है हमारी खिड़की में, हम लोग सारा सामान वहाँ पर डंप कर देते हैं एंड वी डोंट टच इट फॉर एटलीस्ट लाइक अ गुड 4 to 5 hours, समटाइम्स इवन अ डे. बट कभी अगर एक पूरे दिन का समय ना हो पूरे रात भर छोड़ने का, सो वी डोंट टच इट एटलीस्ट फॉर अ गुड 4 to 5 hours. उसके बाद वॉट वी डू इज वी सैनिटाइज ऑल द ग्रोसरी पैकेज फ्रॉम आउटसाइड. और अगर तुम्हारे पास सैनिटाइजर ना हो और यू आर आउट ऑफ स्टॉक, देन ऑल यू कैन डू इज तुम सर्फ या किसी भी यू नो डिटर्जेंट का पानी बना लो और उसको उसमें कपड़ों में डुबो कर सारी तुम्हारी ग्रोसरी के पैकेट्स जो है उनको सैनिटाइज कर लो. ऑब्वियसली सब्जियों को नहीं और फ्रूट्स को नहीं, बट दिस इज हाउ वी आर सैनिटाइजिंग थिंग्स एंड देन वी लीव देम अगेन फॉर फ्यू आवर्स. सो इफ यू सी बिहाइंड ऑन माई डाइनिंग टेबल अभी भी कल की सैनिटाइज जो ग्रोसरी के पैकेट्स है वो पड़े हुए हैं. सो आफ्टर अ गुड नंबर ऑफ आवर्स वी पुट देम इन आर you know storage boxes या जो भी. एंड उसके बाद after we drop the stuff in the window, the first thing that I do is I go wash my hands for a good 30 seconds. और जो कपड़े भी मैं पहनती हूँ नीचे जाने के लिए, बिकॉज आई एम इन द लिफ्ट, कितनी भी मैं केयरफुल रहूँ यू नेवर नो वॉट यू ब्रश अगेंस्ट, यू जस्ट नेवर नो. सो आई चेंज, यू नो आई पुट दोज क्लोथ्स फॉर वॉश, आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स. मेरी मम्मी तो नेक्स्ट लेवल है, वो तो नहा ही लेती है नीचे जाके नीचे जाके जब ऊपर आती है. बट आई मीन इवन आई ट्राई टू टाइम माई डिलीवरीज इन सच अ वे कि वो जाके मैं सामान रख दूँ और जाके सीधे नहा के आ जाऊँ, जस्ट टू बी वेरी वेरी श्योर. या दैट्स द लेवल ऑफ फिनिकी वी आर बींग राइट नाउ एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट. सो या मैन, इतनी सारी क्या कहते प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही है एंड लेनी भी चाहिए. आई मीन राइट नाउ इज नॉट द टाइम वे वी कंप्लेन अबाउट दिस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑल दिस इज हैपनिंग. या दिस इज बिन दैट लाइफ अपडेट वीडियो. दिस इज फॉर एनीबडी हु माइट बी फ्रॉम इंडिया और जो भी यू नो यहाँ पर नहीं है एंड वॉन्ट टू नो वॉट्स हैपनिंग योर हाउस लाइफ योर, दिस इज वॉट इट इज. या फिर इफ यू आर इन इंडिया एंड यू आर इन डिफरेंट सिटीज and you all don't exactly know किस शहर में क्या चल रहा है, thought बनता था एक मुंबई शहर का अपडेट मैं अपने वीडियो में दे दूँ कैसा चल रहा है इधर. सो दिस वॉज इट एंड आई विल बी बैक सून होपफुली विद मोर हैप्पी कॉन्टेंट दैट ब्रिंग्स अ स्माइल टू योर फेस. एंड स्टे इनडोर्स, स्टे सेफ, टेक ऑल द प्रिकॉशंस एंड आई एम गोइंग टू गो एंड सी यू गाइस रियल सून राइट हियर विद समथिंग न्यू. यू टेक केयर, बाय बाय.